हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर है हम उसमें डिस्कस करेंगे जो लेबर कॉस्ट है हमारा उसकी एग्जाम किट। अब कैप्टन किट पर हम डिस्कस करेंगे। कैप्टन किट है कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सेक्शन है उसके अंडर जो लेबर कॉस्ट के चैप्टर है वो मौजूद हैं, और ये मिक्स है, लेबर के भी हैं, मटेरियल के भी हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वगैरह के भी हैं। तो हम लेबर वाले कुछ क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। पहला सवाल है, व्हाट इज द टाइम सेव्ड बाय द एम्प्लॉई इन वीक सिक्स ऑन आर्क प्रोडक्शन। तो हमने ये बताना है कि इस एम्प्लॉई ने कितना वक्त बचाया है। ठीक है, तो टाइम सेव्ड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम सेव्ड का फॉर्मूला होता है कि आपको अलाउड टाइम कितना था, यानी कि आपको कितना टाइम दिया गया था, ठीक है, कितने टाइम में आपने काम करना है, माइनस टाइम टेकन, आपने एक्चुअली कितना टाइम लिया है। क्वेश्चन को रीड करते हैं और आंसर निकालते हैं। RCW ऑपरेट्स अ बोनस स्कीम, कंपनी है बोनस स्कीम चलाती है बेस्ड ऑन द टाइम सेव्ड अगेंस्ट प्री डिटरमिंड टाइम अलाउस। कैसे बोनस स्कीम चलाती है, वो देखती है टाइम सेव्ड क्या है, किसके अगेंस्ट, जो प्री डिटरमिन यानी कि पहले हमने डिटरमाइन किया हुआ था, जो अलाउंस बताया हुआ था, कि अलाउंस का मतलब है स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, अलाउ किया हुआ था इतना आउटपुट होना चाहिए। अब वो अलाउड अलाउंस कितना था या कितना अलाउड किया हुआ था, तो जो अलाउड था टाइम या स्टैंडर्ड टाइम था या टारगेटेड टाइम था, वो इम्प्लॉयज़ आर टिपिकली एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 700 यूनिट्स अ वीक। इम्प्लॉयज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 700 यूनिट्स एक हफ्ते में बनाएंगे, और ये असल चीज़ है कि जो अलाउड टाइम था वो ये था कि आपने पर आवर जो है वो 20 यूनिट्स बनाने। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड अलाउंस था या जो टारगेटेड टारगेट आपको सेट किया गया था या जो एक्सपेक्टेड था या जो एंटिसिपेटेड था, डिफरेंट वर्ड हो सकते हैं, वो ये था कि आप एक घंटे में 20 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, अब वीक सिक्स में इस बंदे ने 750 यूनिट्स बनाए और 32 आवर्स लिए हैं। ठीक है, तो अब ये बंदा है उसने एक्चुअली 750 यूनिट्स बनाए और उसने 32 घंटे लिए, ये तो एक्चुअल टाइम आ गया। ठीक है, 32 आवर्स, ये तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम टेकन। हमने टाइम अलाउड निकालना है। अब टाइम अलाउड जो है वो उसने क्या कहा था कि आप जो बेसिकली बोनस देते हो वो टाइम सेव्ड अगेंस्ट प्री डिटरमिंड टाइम अलाउंस फॉर एक्चुअल आउटपुट। टाइम अलाउंस फॉर एक्चुअल आउटपुट का मतलब है आप ये देखते हो कि जो एक्चुअल आउटपुट आपने बनाया है वो जो आपको अलाउड टाइम था उसके हिसाब से कितने घंटों में बनाना चाहिए था। ठीक है, तो अलाउंस जो आपको दिया गया था वो ये था कि आपने एक घंटे में 20 यूनिट्स बनाने, एक्चुअली आपने 750 यूनिट्स बनाए। 750 यूनिट्स आपने कितने घंटे में आपको बनाने चाहिए थे, जो अलाउंस था वो हम देखते हैं। 750 यूनिट्स आपने बनाए और एक घंटे में आपको 20 यूनिट्स बनाने चाहिए थे, तो इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो टाइम अगर मैं निकालूं जो हमें अलाउ किया गया था वो था 750 डिवाइडेड बाय 20, 37.5 आवर्स। यानी कि जो हमें अलाउंस दिया गया था या टारगेट दिया गया था कि आपने एक यूनिट में 20 घंटे बनाने, सॉरी, एक घंटे में 20 यूनिट्स बनाने, ठीक है, उस हिसाब से जो 750 यूनिट्स मैंने बनाए हैं उनको बनाने में मुझे 37.5 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन मुझे जस्ट 32 आवर्स लगे हैं। तो इसका मतलब है मैंने 5.5 आवर्स सेव किए हैं, ठीक है, कंपनी के। तो क्योंकि हमने इसमें टाइम सेव्ड ही बताना है, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है डायरेक्ट वेजेस यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बारे में बताओ। ठीक है, तो डायरेक्ट वेजेस इसमें क्या क्या होंगी देख लेते हैं। ग्रॉस वेजेस टोटल इतनी थी, उनमें से ऑर्डनरी टाइम या जो नॉर्मल टाइम या बेसिक टाइम था उसमें जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज है उसकी जो कॉस्ट है, जो उसकी लेबर कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, बिल्कुल। इनडायरेक्ट की तो हर कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है। उसके अलावा ओवर टाइम जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज का था उसका जो बेसिक का पोर्शन था, बेसिक, ठीक है, वो जो है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होगी, प्रीमियम का नहीं होगा, क्योंकि कहीं नहीं मेंशन कि आपका जो प्रीमियम है वो कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे आपने ओवर टाइम किया हुआ उसका प्रीमियम है। ठीक है, और बाकी जितनी भी चीजें, मैंने आपको क्लास में भी बहुत सिंपल रूल बताया था कि तीन चीजें सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, उसके अलावा सब कुछ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होता है। वो तीन चीजें क्या थी? नंबर वन, बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स डायरेक्ट लेबर की, बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स डायरेक्ट लेबर की, और ओवर टाइम प्रीमियम डायरेक्ट लेबर का अगर ओवर टाइम आपने कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया हो। ठीक है, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ दो चीजें जो है वो ही यहाँ पर गिवन है। ठीक है, जो डायरेक्ट कॉस्ट होंगी बाकी सारी इनडायरेक्ट होंगी। इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 27,500 प्लस 4,500 आपको 32,000 देगा, जो कि आंसर है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन इज नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट मेथड।
इन चारों में जो आपको पेमेंट मेथड दिया जाता है वो कौन सा इंसेंटिव बेस्ड नहीं है। इंसेंटिव बेस्ड का मतलब ये होता है कि आपको एडिशनल बेनिफिट होता है अगर आप ज्यादा काम करें, एडिशनल बेनिफिट इफ यू वर्क हार्ड। इफ यू वर्क हार्ड का मतलब है कि आप ज्यादा हार्ड वर्क करें, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि इन चारों जो पेमेंट मेथड्स हैं उनमें से कौन सा है जिससे आपको इंसेंटिव नहीं मिलता, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेट पीस वर्क की। अब स्ट्रेट पीस वर्क जो है उससे क्या आपको इंसेंटिव मिलता है? यस मिलता है। कैसे? आपने एक यूनिट बनाया, $5 आपको मिले, दो यूनिट आप बनाएंगे आपको $10 मिलेंगे, तीन यूनिट बनाएंगे आपको $15 मिलेंगे। तो इंसेंटिव मिल रहे ना ज्यादा हार्ड वर्क पे, जितना ज्यादा यूनिट बनाएंगे ज्यादा पैसे मिलेंगे। ये तो आंसर ना हुआ क्योंकि हमने बताना है नॉट एन इंसेंटिव बेस्ड स्कीम। उसके बाद बी हाई डे रेट। हाई डे रेट का मतलब ये है कि पहले आपको फॉर एग्जाम्पल पर आवर $8 मिल रहा था, अब पर आवर आपको $10 मिल रहा है, तो क्या ये इंसेंटिव है? ये इंसेंटिव बेस्ड नहीं है। क्यों? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जब आपको $8 मिल रहा था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप 5 यूनिट्स बना रहे थे, ठीक है, अभी आपको $10 मिल रहा है, तो अब फॉर एग्जाम्पल आप 15 यूनिट्स बना रहे हैं 1 घंटे में। अब आप 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाए, 1 घंटे में आप 18 यूनिट्स बनाए, 1 घंटे में आप 25 यूनिट्स बनाए, स्टिल रेट तो आपका सेम है ना, $10 ही है, उसमें तो कोई आपको चेंजेस नहीं आ रही ना। तो बेशक आपका डे रेट हाई कर दे लेकिन वो कोई इंसेंटिव बेस्ड नहीं होगा, ठीक है। उससे आप अगर प्रोडक्शन ज्यादा भी करें तो आपको कोई $10 ही मिलेगा, जबकि जो आप पीस वर्क सिस्टम चलाते थे उसमें जितनी ज्यादा प्रोडक्शन हाइयर होगी, जितनी ज्यादा हार्ड वर्क होगी, आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। लेकिन हाई डे रेट में जस्ट रेट बढ़ा दिया जाएगा, तो रेट बढ़ाना कोई इंसेंटिव बेस्ड नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेशक आपका 1 घंटे का रेट बढ़ गया लेकिन अगर आप उस घंटे में नॉर्मल प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कोई इंसेंटिव अलग मिलना चाहिए ना, जो कि नहीं मिल रहा। इसीलिए जो हाई डे रेट है वो इंसेंटिव बेस्ड स्कीम नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पर आवर आपका रेट था $8, सही है। अब उस डॉलर जो पर आवर आप फॉर एग्जाम्पल 6-7 यूनिट्स बना रहे हैं, अब आपको $8 मिल रहा है, आप कंपनी ने आपको जो है ना आपसे कहा है कि जी हम आपका रेट बढ़ा रहे हैं, रेट आपका बढ़ा के $10 कर दिया। अब देखिए, अब ये मैटर नहीं करता कि आप उस घंटे में 15 यूनिट्स बनाए, 20 बनाए, 25 बनाए, जितने ज्यादा मेहनत करें, ज्यादा प्रोडक्शन करें तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, नहीं। डे रेट तो फिक्स होता है, ठीक है, वही आपको मिलता है। इसीलिए हाई डे रेट कोई इंसेंटिव बेस्ड स्कीम नहीं है। ग्रुप बोनस जो है वो यस बोनस है, जाहिर सी बात है, रिवॉर्ड है अच्छी परफॉर्मेंस का, तो वो इंसेंटिव बेस्ड है। डिफरेंशियल पीस वर्क भी बिल्कुल पीस वर्क की तरह इंसेंटिव है, बल्कि वो तो ज्यादा इंसेंटिव है। एक टारगेट को जब आप एक्सीड कर जाएंगे तो डे आपका जो रेट है, जो पर यूनिट रेट है पीस वर्क का, वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो बी जो है वो आपका आंसर होगा, जो कि इंसेंटिव बेस्ड स्कीम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 में वो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग रादर देन रिटेनिंग लेबर ड्यू टू हाई इंप्लॉय टर्नओवर। सबसे पहले तो इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है नंबर ऑफ लीवर्स, ठीक है, लोग जो कंपनी को छोड़ के जा रहे होते हैं, नंबर ऑफ लीवर्स हु रिक्वायर्स रिप्लेसमेंट, जिनको हमें रिप्लेस करना होता है, मतलब जो लोग छोड़ के जा रहे होते हैं तो उनको, अगर ज्यादा उनकी तादाद है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाई, भाई ज्यादा छोड़ के जा रहे हैं, ज्यादा को हमें बार बार रिप्लेस करना पड़ता है। अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सी कॉस्ट है जो कि लेबर को रिप्लेस करने की है, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिटेन करने की नहीं, रिप्लेसमेंट। रिटेन करने का मतलब है उसको रिटेन करना, रिप्लेस करने का मतलब एक दफा वो चला जाए और फिर उसको रिप्लेस करके जो दूसरा है उसकी कॉस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन। देखिए, इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशन जो है वो बेसिकली एक रिटेनिंग कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि आप अगर वर्किंग कंडीशन इम्प्रूव करोगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छी करोगे, तो लेबर को आप रिटेन कर रहे हो, ठीक है, उसको अपने पास ही रख रहे हो। दूसरा, सफरिंग अ लर्निंग कर्व इफेक्ट। अब लर्निंग कर्व क्या चीज है आपको समझ आनी चाहिए। लर्निंग कर्व का मतलब ये होता है कि जब एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाता है, ठीक है, एक एक्सपीरियंस बंदा है वो छोड़ के जाता है, 10 साल 15 साल उसने कंपनी में काम किया होता है, अब उसकी जगह जो नया बंदा आता है, फ्रेशर आता है, अब वो फ्रेशर आते साथ ही आपको वो एफिशिएंसी तो नहीं दे सकता ना। एक्सपीरियंस बंदा हो सकता था 1 घंटे में 20 यूनिट्स बनाता हो, फ्रेशर आते साथ ही ये काम नहीं करेगा, 1 घंटे में हो सकता है सिर्फ 6 यूनिट्स बनाए, 7 यूनिट्स बनाए। इसको कहते हैं लर्निंग कर्व इफेक्ट, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट की ही कॉस्ट है हाई लेबर टर्नओवर की वजह से, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाई लेबर टर्नओवर होगा, बार बार हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एम्प्लॉय, तो जब नया एम्प्लॉय आएगा तो वो लर्निंग कर्व इफेक्ट का शिकार होगा, वो उतना सीखा हुआ नहीं होगा कंपनी के बारे में, उसको इतना पता नहीं होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस से इतना फेमिलियर नहीं होगा, जिसकी वजह से कंपनी सफर करेगी। तो ये जो है ये लर्निंग कर्व इफेक्ट रिप्लेसमेंट की, यानी कि हाई कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग लेबर की कॉस्ट है, ठीक है, मतलब लेबर को रिप्लेस करने की कॉस्ट है, या हाई इंप्लॉय टर्नओवर की वजह से आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, ठीक है। इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कि इंप्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, उनकी जगह हम नए रिक्रूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं उनकी जगह, ठीक है। तो लर्निंग कर्व इफेक्ट का मतलब ये है कि जो पुराना था वो एक्सपीरियंस था, तजुर्बेकार था, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा थी, फेमिलियर था, लेकिन जो नया वाला है वो फ्रेशर है, वो उतनी एफिशिएंसी नहीं देता, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसको सीखते सीखते टाइम लगेगा कंपनी को, तो वो इफेक्ट मतलब लर्निंग का इफेक्ट कंपनी तो सफर कर रही है ना, कंपनी के लिए तो एक कॉस्ट है, क्योंकि वो पहले वाला बंदा एक घंटे में आपको 20 यूनिट्स बना के देता था, नया बंदा सिर्फ 5 यूनिट्स बना के दे रहा है, कंपनी के लिए तो नुकसान है, ये कॉस्ट है। बाकी पेंशन देना, वेलफेयर सर्विस देना, ये तो आप इसलिए करते हो ना कि आप अपने एम्प्लॉयर को, अपने सॉरी एम्प्लॉय को अपने पास रिटेन कर सको, ठीक है। तो हमने रिटेनिंग कॉस्ट नहीं बतानी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, इसमें कह रहे हैं एक जॉब है उसको करने के लिए आपको 2400 एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए, ठीक है, और आपने ये एंटिसिपेट किया है, आपको पता है कि 20% आइडल टाइम होगा, तो अगर वेज रेट 10 पर आवर है तो बजटेड लेबर कॉस्ट क्या होगी, ठीक है, बजटेड लेबर कॉस्ट क्या होगी। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो आप बजट है हमेशा वो आपका 100% होता है, ठीक है, जो आप बजट बनाते हो वो 100% बनाते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि एक नौकरी है उसको करने में 2400 एक्चुअल घंटे लगेंगे, यानी कि एक्चुअल उसको काम करने में 2400 आवर्स लगेंगे, लेकिन 20% आइडल टाइम भी होगा, ठीक है। तो अगर बजट आपका 100% है और एक्चुअल आवर्स आपको दिए हुए हैं और आइडल टाइम भी आपको पता है कि वो है 20% है, ठीक है, यानी कि 20% आपको पता है कि लेबर फॉर सम रीजन आइडल बैठा होगा, वो रीजन कुछ भी हो सकते हैं, मशीन की मेंटेनेंस चल रही है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है रीजन। तो जो एक्चुअल आवर्स होंगे वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, 80% के बराबर होंगे, ठीक है। तो बजट हमेशा 100% होता है क्योंकि 20% आइडल टाइम होगा उसका, तो आपको पता है कि जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 80% होंगे। अब ये 80% जो एक्चुअल आवर्स हैं वो 2400 है, ठीक है। अब ये मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये आगे जाके भी आपको बहुत अच्छे तरीके से काम आएगा, इसको आपने गौर से देखना है। ये जो 2400 आवर्स हैं ये एक्चुअल आवर्स हैं और आपको पता है कि एक्चुअल जो है वो बजट का 80% है, क्योंकि बजट हमेशा 100% होता है, और अगर 20% आइडल टाइम है तो इसका मतलब है 80% एक्चुअल आवर्स है। तो 2400 आवर्स एक्चुअल हैं और ये 80% के बराबर है, अगर आप इनको डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो आपके पास 1% का आंसर आएगा, 1% का, 1% का, क्योंकि अब आपने बजटेड लेबर कॉस्ट निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 100 से, क्यों, क्योंकि आपने बजटेड कॉस्ट निकालनी है और बजटेड हमेशा कितने के बराबर होता है, 100% के। तो इसको आप डिवाइड करें, 2400 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100 आपको 3000 देगा, 3000 जो है आवर्स आपके पास आके, आपको पता है कि एक्चुअल आवर्स 2400 हैं तो बजटेड आपके 3000 आवर्स आ जाएंगे, आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 3000 को 80% से मल्टीप्लाई करें तो 2400 आवर्स आपके पास वही एक्चुअल आ जाएंगे। अब क्योंकि आपने आवर्स नहीं बताने थे, आपने बजटेड लेबर कॉस्ट बतानी थी, तो आपको पता है कि 3000 आवर्स आपको, आपने बजट बनाया होगा 3000 घंटों का और एक घंटे की कॉस्ट जो है वो 10 पर आवर है, जो आपके लेबर बजट कॉस्ट होगी वो होगी, बजटेड कॉस्ट जो होगी वो होगी 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 जो कि वेज रेट है, 3000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 30,000 आपका आंसर होगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, बजट हमेशा 100% होता है, आपको पता है एक काम है, उस काम करने के लिए 2400 एक्चुअल घंटे चाहिए और एंटिसिपेट ये भी आपने किया हुआ है कि 20% आइडल टाइम होगा, तो बजट हमेशा 100% होता है क्योंकि आइडल टाइम 20% है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल जो है आवर्स लगे होंगे वो 80% लगे होंगे बजटेड का, तो आपको पता है एक्चुअल 80% है और एक्चुअल आवर्स 2400 आवर्स है, 2400 को 80 से डिवाइड करके आपके पास 1% का आंसर आएगा, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपके पास बजटेड आवर्स आ जाएंगे क्योंकि बजटेड 100% है। फिर आप उन आवर्स को कॉस्ट पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पर आवर दी हुई है तो आपके पास 30,000 आंसर आ जाएगा, 87 का आपका आंसर होगा डी। इसके बाद और ये क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आइडल टाइम कैन नॉट बी कंट्रोल बिकॉज इट इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर, आइडल टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा ही एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइडल टाइम को आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मशीन मेंटेनेंस है
आप यानी कि जो वर्किंग आवर्स नहीं है उसके अलावा मशीन की मेंटेनेंस करो, ठीक है, उसको मेंटेनेंस में तो देखें इसमें आप उसमें लिखा हुआ है कि आइडल टाइम कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज़ इट इज ऑलवेज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि आइडल टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही हमेशा होता है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल अब आपने मशीन की मेंटेनेंस करनी है जिसकी वजह से लेबर आइडल बैठा हुआ है, जब तक मशीन ठीक नहीं होती वो काम नहीं कर सकता, तो आप मशीन की मेंटेनेंस जो है वो आप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ना करो, जब वर्किंग आवर्स खत्म हो जाए तब करो, ताकि जब वर्किंग आवर्स है उसमें लेबर आइडल ना बैठे। कंट्रोल तो हम कर सकते हैं ना, तो ये जरूरी तो नहीं है कि आइडल टाइम आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। नहीं, आइडल टाइम इंटरनल फैक्टर्स की वजह से भी होता है और आइडल टाइम एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है। इंटरनल फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए, मशीन की मेंटेनेंस पे काम लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉल्ट हो गया विद इन द फैक्ट्री। एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है, फ्लड आ गया, ठीक है, बाहर से आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बैड वेदर कंडीशन है, ठीक है, काम करने की इजाजत वो नहीं देता, मतलब वेदर कंडीशन, उसके अलावा मतलब पूरे सिटी की लाइट नहीं है, जो सिटी की लाइट सोर्स है मेन वहीं से बिजली की प्रॉब्लम है, तो एक्सटर्नल फैक्टर हुआ ना। आइडल टाइम दोनों फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद आइडल टाइम इज ऑलवेज कंट्रोलेबल बिकॉज इट इज ड्यू टू इंटरनल फैक्टर्स। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, हमेशा जो है आइडल टाइम आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आ जाती है फैक्ट्री में, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आइडल टाइम जो है वो हमेशा कंट्रोल जरूरी नहीं है, ठीक है। इंटरनल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं कि उस वक्त जो है ना आपकी मजबूरी बन जाती है कि मतलब आप उस पर कंट्रोल आप नहीं कर सकते, जैसे आपको एक्सीडेंट हो जाए कोई ड्यूरिंग फैक्ट्री, कोई गिर जाए, ठीक है, कोई बिजली का प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई इशू हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए। देखिए कोई भी चीज़, ये बात मेरी अब याद रखिएगा, आगे जाके कोई भी सवाल आया है, कोई भी रिलेटेड ऐसी चीज़ आई, तो कोई भी चीज़ 100% किसी के कंट्रोल में नहीं होती, ये पॉइंट आपने अपने पास जहन में रखना है, ठीक है। तो इसलिए आइडल टाइम भी हमेशा कंट्रोलेबल नहीं होता, ठीक है। आइडल टाइम इज ऑलवेज ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोडक्शन स्टाफ। नहीं, प्रोडक्शन स्टाफ ही अगर इनएफिशिएंट हो तो आइडल टाइम जो है उनकी वजह से हमेशा नहीं होता, ये वर्ड इस पर फोकस करें, ऑलवेज, ठीक है। ये ऊपर वाला भी जो है ना सिर्फ ऑलवेज की वजह से मतलब गलत हुआ कि ऑलवेज कंट्रोलेबल होता है, हमेशा ही होता है। इसी तरह हमेशा आइडल टाइम इनएफिशिएंट प्रोडक्शन स्टाफ की गलती नहीं होती, ठीक है, ज्यादातर तो मैनेजमेंट की गलती होती है कि लेबर आइडल बैठा होता है। और लास्ट है, आइडल टाइम इज नॉट ऑलवेज द फॉल्ट ऑफ प्रोडक्शन स्टाफ। यस, आइडल टाइम हमेशा कोई प्रोडक्शन स्टाफ की गलती नहीं होती, मोस्टली और ज्यादातर वो जो है बेसिकली मैनेजमेंट की गलती ही होती है जिसकी वजह से लेबर जो है वो आइडल बैठा होता है। इस सारी चीजों से आपको पता होना चाहिए कि आइडल टाइम जो है वो पार्शली कंट्रोलेबल होता है, ठीक है, चाहे वो इंटरनल फैक्टर्स हो या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो, हमेशा वो फुल कंट्रोल में नहीं होता। स्टेटमेंट डी जो है वो राइट स्टेटमेंट है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 95 है, उसमें वो पूछता है कि इस हफ्ते में ऑपरेटर ए ने कितना कमाया है। कंपनी एक पीस वर्क सिस्टम चलाती है और पर यूनिट स्टाफ को $0.2 देती है और गारंटीड अमाउंट भी देती है कि यार आपको हम एटलीस्ट 15 पर डे देंगे। तो ये जो एम्प्लॉई है इसने कितना कमाया होगा, इसकी निकालते हैं, ठीक है, वर्किंग करते हैं। अब मंडे यहाँ पर आ जाएगा, देन ट्यूसडे, देन वेनसडे, देन थर्सडे और फ्राइडे। गारंटीड अमाउंट है, अगर गारंटीड अमाउंट से आपके किसी दिन में तनख्वाह कम बन रही है तो आप गारंटीड अमाउंट लेके जाएंगे। अब मंडे को उसने 90 यूनिट्स बनाए, एक यूनिट पे 0.2 मिलता है, तो यानी कि उसने 18 कमाया होगा, तो 18 वो लेके गया होगा। ट्यूसडे को 70 यूनिट्स हैं और 0.2 पर यूनिट उसे मिलता है, तो 14। क्योंकि पीस वर्क विद गारंटी चल रहा है तो ये 14 नहीं लेके जाएगा बल्कि 15 लेके जाएगा ट्यूसडे को। देन वेनसडे को जो है उसने 75 यूनिट्स बनाए और पर यूनिट उसको 0.2 मिल रहा है, ये 15 ही बनता है, तो 15 ही वो अपने साथ लेके जाएगा। थर्सडे को 60 यूनिट्स बनाए और पर यूनिट 0.2 मिल रहा है, तो $12 उसने पूरा कमाया होगा। लेकिन क्योंकि पीस वर्क विद गारंटी चल रही है, कंपनी गारंटी करती है कि एटलीस्ट 15 तो हम आपको देंगे ही देंगे, तो 12 नहीं लेके जाएगा, इस दिन 15 लेके जाएगा।
देन फाइनली फ्राइडे को उसने 90 यूनिट्स बनाए और पर यूनिट 0.2 मिल रहा है, तो $18 उसकी अर्निंग हुई है, तो क्योंकि वो $15 से ज़्यादा है तो वो यही लेके जाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में वीक की अर्निंग पूछी है, तो इस सबको आप ऐड करें, 45 प्लस 36 करें तो ये आ जाएगा 77। 95 का जो है ऑप्शन सी जो, नहीं, ये 77 नहीं आएगा, 36 और 45 81 आएगा, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये बीच में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्वेश्चन में मिक्स है, वो कह रहा है व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट ऑफ पे फॉर ओवर टाइम वर्क, कि जो पे बन रही है ओवर टाइम की उसमें से कितना आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ओवर टाइम की पे में दो चीजें होती थी, एक होती थी बेसिक पे, एक होती थी प्रीमियम। बेसिक पे जो है वो हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती थी अगर डायरेक्ट वर्कर्स की हो, और प्रीमियम डायरेक्ट वर्कर्स का तब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती थी अगर आपने ओवर टाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया हो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अ बिजनेस एम्प्लॉय टू ग्रेड्स ऑफ लेबर इन इट्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बिजनेस दो तरह के लेबर्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया हुआ है, एक है ग्रेड ए वर्कर्स जो कि डायरेक्ट लेबर एम्प्लॉयज हैं, तो क्योंकि हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है तो हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेड ए वर्कर्स को ही देखेंगे। ठीक है, उनकी पर आवर पे 10 है। बी वर्कर्स जो कि इनडायरेक्ट लेबर है उनकी उनको तो देखने की जरूरत नहीं है डाटा को। ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट निकालनी है। अभी जो वीक एंड हुआ है उसमें ग्रेड ए लेबर ने 30 आवर्स ओवर टाइम काम किया है। ठीक है, जिसमें से 10 आवर्स उन्होंने कस्टमर के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया है। ठीक है, और बाकी 20 आवर्स वो जनरल ओवर टाइम। ठीक है, और ओवर टाइम जो है उसकी जो पेमेंट की जा रही है वो टाइम एंड 1/2। ओवर टाइम का मतलब है कि टोटल ओवर टाइम, तो टाइम एंड 1/2 का मतलब ये है कि 150% या 1.5, तो 1 तो जो नॉर्मल 100% बेसिक होता है वही होता है, तो 0.5 जो है ना वो एक्स्ट्रा मेरा जो कि प्रीमियम होता है। तो अब निकालते हैं वर्किंग, तो पहले तो आ जाएगी बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स डायरेक्ट वर्कर्स की। डायरेक्ट वर्कर्स के जो बेसिक आवर्स हैं वो हैं ग्रेड ए, अच्छा सिर्फ 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 ओवर टाइम ही दिया हुआ, तो बस ओवर टाइम के आवर्स निकालने हैं, 30 आवर्स ओवर टाइम के। ठीक है, तो 30 आवर्स पे उनको मिलेगा 10 जो बेसिक मिलता है। ठीक है, बेसिक पे फॉर मैं लिखता हूँ ओवर टाइम आवर्स, क्योंकि बेसिक उनमें आवर्स दिए हुए, तो 300 तो ये हो गया, प्लस ओवर टाइम का प्रीमियम भी जो है ना कुछ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में शामिल होगा, क्योंकि कुछ आवर्स जो है वो उसने कस्टमर की रिक्वेस्ट पे किए हैं। वो कितने थे, 10 आवर्स, तो सिर्फ 10 आवर्स का जो प्रीमियम है वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना मिल रहा है, टाइम एंड 1/2। टाइम एंड 1/2 का मतलब होता है 1.5 या 150%। ये जो 150% है, टाइम एंड 1/2, 1.5, ये ओवर टाइम है। ठीक है, जो 100% है वो तो बेसिक रेट नॉर्मल होता है उस 10 पर आवर, वो तो हमने कैलकुलेट कर दिया। 50% जो एक्स्ट्रा है ना वो एक्स्ट्रा पोर्शन को आप प्रीमियम कहते हो ना, तो 50% जो एक्स्ट्रा है वो प्रीमियम है, तो जो बेसिक रेट है उसका 50% आपका प्रीमियम होगा, यानी कि 5। तो जो 50 आ गया वो आपका ओवर टाइम का प्रीमियम है, वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा, 350 जो है ना आपका आंसर होगा। सवाल में उसने हमसे ये सिर्फ पूछा हुआ है कि ओवर टाइम की जो टोटल पे है उसमें से कितना आप डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कंसिडर करोगे, उसमें से जो बेसिक पे मिलती है ओवर टाइम आवर्स की वो तो हमेशा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, प्लस ओवर टाइम पे जो आपको प्रीमियम वाला पोर्शन मिल रहा होता है ना, प्रीमियम वाला पोर्शन, वो भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। इस क्वेश्चन में जस्ट 10 आवर्स का प्रीमियम वाला, 10 आवर्स आपने सिर्फ कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे किया हुआ था, हमें सिर्फ 10 आवर्स का प्रीमियम जो है ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहना है, बाकी 20 आवर्स का जो प्रीमियम होगा वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगा। आंसर जो है हमारा वो 350 आएगा। इसके बाद उसने कहा हुआ है कि हाउ वुड यू ट्रीट, हाउ वुड द कॉस्ट ऑफ ओवर टाइम प्रीमियम पेबल टू डायरेक्ट इम्प्लॉयज नॉर्मली भी ट्रीट। तो नॉर्मली जो ओवर टाइम प्रीमियम होता है उसको हम इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ओवर टाइम जाहिर सी बात है लेबर जब प्रोडक्शन कर रहा होता है उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको पता है ओवर हेड्स को भी कहते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन से इसका ताल्लुक है, तो प्रोडक्शन ओवर हेड होगी ऑप्शन बी। तो कहीं पे भी प्रोडक्शन ओवर हेड लिखा हो इसका मतलब है वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट पूछता है एग्जामिनर या किट में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज इनडायरेक्ट लेबर, इनमें से क्या चीज है जो कि इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगी। असेंबली वर्कर्स इन द फर्म दैट मैन्युफैक्चर्स डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स। कॉस्ट क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि असेंबली जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लेबर
बस स्टोर्स असिस्टेंट, वर्ड असिस्टेंट ही बहुत है आपको ये बताने के लिए कि जो लेबर जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो कॉस्ट क्लासिफिकेशन में बात की थी, जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है या जो मैनेज करता है चीज़ों को, ठीक है, डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता तो वो इनडायरेक्ट लेबर होता है, ठीक है, हमारा लेबर की मैं बात करूँ, बी हमारा आंसर होगा। बाकी प्लास्टर जो है कंस्ट्रक्शन फॉर्म में जो प्लास्टर बेसिकली करता है, जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट वर्किंग में इन्वॉल्व है। क्लर्क भी जो है ना ऑडिट क्लर्क भी ऑडिट फॉर्म में डायरेक्ट वर्किंग में इन्वॉल्व होता है तो वो डायरेक्ट लेबर ही होगा, तो बी जो है ना हमारा इनडायरेक्ट लेबर होगा। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब ये क्वेश्चन है 105, ठीक है। अब 105 में वो पूछ रहा है व्हाट विल बी द चार्ज टू प्रोडक्शन ओवर हेड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया प्रोडक्शन ओवर हेड का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट लेबर, तो बेसिकली इन अदर वर्ड्स वो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ही आपसे पूछ रहा है, तो कैलकुलेट करते हैं ये। मैन्युफैक्चरर इंप्लॉयज टू ग्रेड ऑफ लेबर्स इन इट्स मशीनिंग डिपार्टमेंट, ग्रेड ए लेबर ग्रेड बी। ग्रेड ए इंप्लॉयज आर ट्रीटेड एज डायरेक्ट लेबर इंप्लॉयज एंड ग्रेड बी इंप्लॉयज आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट लेबर इंप्लॉयज। ग्रेड ए इंप्लॉयज आर पेड 8 per hour एंड ग्रेड बी वर्कर्स रिसीव 6 per hour। बेसिक वर्किंग वीक इज 40 hours, ओवर टाइम इज एट टाइम +50%, नॉर्मल टाइम यानी कि और +50% एडिशनल ओवर टाइम प्रीमियम टू ऑल इम्प्लॉयज इन डिपार्टमेंट। 10 ग्रेड ए के इम्प्लॉयज हैं एंड 6 ग्रेड बी इम्प्लॉयज हैं। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक ईच ग्रेड ए इम्प्लॉय वर्क फॉर 45 hours एंड ईच ग्रेड बी इम्प्लॉयड वर्क फॉर 43 hours, ठीक है। द ओवर टाइम वॉज नेसेसरी ड्यू टू स्टाफ सिकनेस। अब इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आपने बतानी है, तो पहला तो सिंपल रूल ये है कि इनडायरेक्ट जो लेबर होता है उसकी सारी की सारी कॉस्ट इनडायरेक्ट होती है, सिंपल रूल। तो ग्रेड बी जो है उसकी सारी की सारी कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, तो मैं ग्रेड बी की कॉस्ट निकालता हूँ। अब ग्रेड बी का जो लेबर है वो कितना काम करता है, ठीक है, 40 बेसिक वर्किंग वीक, नॉर्मल वर्किंग वीक जो है वो है 40 आवर्स, ठीक है, तो मैं पहले वो निकाल लेता हूँ, बेसिक पे और बेसिक आवर्स, तो 40 आवर्स नॉर्मल वर्किंग वीक है। और ग्रेड बी के एम्प्लॉय को आपको कितने पैसे देते हैं, 6, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6, तो टोटल इम्प्लॉयज कितने हैं ग्रेड बी के, 6 इम्प्लॉयज हैं, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 6 आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा 1440, तो ये बेसिक पे फॉर बेसिक आवर्स हो गई है। उसके बाद बेसिक पे फॉर ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। अब आपके पास दो तरीके हैं, आप इसको बेसिकली ओवर टाइम प्रीमियम और आवर्स दोनों को इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सेपरेटली करवा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब ओवर टाइम किया कितना है, ग्रेड बी के एम्प्लॉयज ने 43 आवर्स काम किया है, नॉर्मल 40 था तो 3 आवर्स ओवर टाइम काम किया है, 3 times 6 जो बेसिक पे मेरी है, मल्टीप्लाई बाय 6 इम्प्लॉयज है तो 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इससे मेरे पास जो है वो आ जाएगा 108, 108 आ जाएगा। देन इसके बाद ओवर टाइम का प्रीमियम, तो ओवर टाइम कितना इन्होंने काम किया है, ओवर टाइम इन्होंने काम किया है 3 आवर्स, और टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, टोटल एम्प्लॉयज हैं 6, और ओवर टाइम प्रीमियम क्या था, 50%, ठीक है, तो बेसिक रेट का 50% होता है, हमेशा बेसिक रेट के हिसाब से आपने देखना होता है प्रीमियम कितना, बेसिक वेज रेट इनका 6 था, 6 का 50% आ जाएगा यानी कि 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 3 18 और 18 3 54। इसको अगर आप ऐड करें तो आपके पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट ग्रेड बी की आ जाएगी, ठीक है, ग्रेड बी क्योंकि इनडायरेक्ट लेबर है तो इसकी सारी की सारी कॉस्ट आपकी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, तो 1602 ये आ गया। अब डायरेक्ट लेबर भी है यानी कि ग्रेड ए लेबर भी है, और डायरेक्ट लेबर का आपको पता है कि सिर्फ एक ही चीज है जो कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है, और वो क्या है, ओवर टाइम का प्रीमियम, अगर आपने ओवर टाइम कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे ना किया हो, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि ओवर टाइम कहीं भी नहीं मेंशन कि ओवर टाइम कस्टमर की रिक्वेस्ट पे हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट वर्कर्स हैं उनका ओवर टाइम प्रीमियम यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो क्योंकि हमें बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम की प्रीमियम निकालना है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं ओवर टाइम देखूंगा कि उन्होंने कितना किया और प्रीमियम निकाल लूंगा। अब बेसिक वर्किंग वीक जो है वो 40 आवर्स था, और ग्रेड ए वर्कर्स ने 45 आवर्स काम किया, यानी कि एक बंदे ने कितना ओवर टाइम काम किया, 5, टोटल बंदे कितने थे, टोटल बंदे थे 10, ग्रेड ए के 10 बंदे थे, इसे बस टोटल आवर्स आ गए। और अब
इनको जो पेमेंट है वो कितनी मिल रही थी, क्योंकि मैंने सिर्फ प्रीमियम वाला पोर्शन निकालना है, तो मैं उनकी वेज रेट का सिर्फ प्रीमियम लूंगा। वेज रेट ग्रेड ए वर्कर्स की 8 थी और प्रीमियम 50% है, तो 8 का 50% मैं लूंगा। तो 5 10s are 50, 54s are 200। तो ये जो प्रीमियम वाला पोर्शन है ग्रेड ए वर्कर्स का, ये भी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, तो ये 200 में इसमें ऐड कर दूंगा। तो टोटल जो मेरी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगी वो 1800 आ जाएगी। 1800 ही, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक शायद की है कैलकुलेशन करते हुए। 1440 + 108 = 1508 + 54 = 1602 + 200 = 1802। सही है सही है, 1800 यहाँ पर मैंने मिस्टेक, 1802 आ जाएगा, 1802। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है व्हाट आर द ग्रॉस वेजेस फॉर द डिपार्टमेंट फॉर द मंथ। ग्रॉस वेजेस हमने बतानी है। अब पेमेंट टू एम्प्लॉइज दी है, पेमेंट टू एम्प्लॉइज मैंने आपको क्लास में भी बताया था किसे कहते हैं, नेट पे को कहते हैं। तो नेट पे से हमने ग्रॉस पे में जाना है, तो हमने वर्किंग बैकवर्ड्स करनी है। तो ग्रॉस पे निकालनी है तो मुझे वर्किंग बैकवर्ड्स करनी पड़ेगी। ग्रॉस पे में से मैं डिडक्शंस करता था, नेट पे आती थी, नेट पे में मैं एडिशंस करूंगा तो ग्रॉस पे आएगी। तो नेट पे मेरी थी वो 7500 थी, प्लस उसमें मैं इनकम टैक्स जो मैंने माइनस किया होगा वो ऐड कर दूंगा 2500, प्लस इम्प्लॉई की बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने माइनस की होगी तो मैं दोबारा ऐड बैक कर दूंगा। तो इम्प्लॉई वाली है 1200, ठीक है, इम्प्लॉई वाली। तो दोबारा वर्किंग बैकवर्ड हमने कर लिया, तो 7500 प्लस 2500 प्लस 1200 आपको 11200 दे देगा, जो आपका आंसर होगा। ये इस तरह आसान है, फॉर्मूलाज आपको पता हो तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसमें ग्रॉस पे में से डिडक्शंस आप करते थे, नेट पे आती थी, क्योंकि आप नेट पे से आप ग्रॉस पे में जा रहे हैं तो आप ऐड बैक कर रहे हैं चीजें, ऐसे आपने करना। इसके बाद 107 में पूछा है व्हाट इज द लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट पूछ रहा है बेसिकली, लेबर कॉस्ट जिसको आप एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी कहते हैं, वो क्या होगी। लेबर कॉस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था, ग्रॉस पे लेबर कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयर को आपको रखने की क्या कॉस्ट पड़ती है। एक तो ग्रॉस पे वो आपको जो देता है, प्लस एम्प्लॉयर स्टेट बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, NI का मतलब नेशनल इंश्योरेंस होता है। एम्प्लॉयर्स जो बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन होती हैं, एक तो एम्प्लॉई पे करते हैं अपने बिहाफ पे खुद अपनी तनख्वाह में से, एक एम्प्लॉयर उसके बिहाफ पे करता है। तो एम्प्लॉयर को आपको रखने के लिए एक तो आपको तनख्वाह देनी पड़ती है ग्रॉस वेज, प्लस आपको आपके बिहाफ पे बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन भी देना होता है, ठीक है। तो 23,000 प्लस 3500 से आपको 26,500 मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बाकी यहाँ पर भी ये क्वेश्चन एक है, एन एम्प्लॉई इज पेड ऑन पीस वर्क बेसिस, द स्कीम इज एज फॉलोस, ओनली द एडिशनल यूनिट्स। देखिए उसने से पूछा है, उसने कहा है कि एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई करते हैं। मैंने क्लास में बताया था अगर कंप्लीट यूनिट्स उसने लिखा हो ना क्वालिफाई फॉर हायर रेट्स, उसका मतलब है कि जो कंप्लीट यूनिट है ना उस पर आपने एडिशनल रेट लगाना है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल लिखा हुआ है, जस्ट आपने एडिशनल यूनिट्स को कंसिडर करना है। रिजेक्टेड यूनिट्स क्वालिफाई नहीं करते पेमेंट पे, तो रिजेक्टेड यूनिट्स को वर्किंग में इंक्लूड नहीं करना। अब एक एम्प्लॉई है, उसने 210 यूनिट्स बनाए जिसमें से 17 रिजेक्टेड थे, जो मैं वर्किंग करूंगा वो मैं करूंगा 193 यूनिट्स पे, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन करता हूँ, 100 यूनिट्स पे मुझे 0.2 मिल रहा है, तो इसका मतलब है 20, देन नेक्स्ट 93 पे मुझे 0.3 मिलेगा। 93 का 0.3 जो है वो आ जाएगा मेरे पास 93 times 0.3, 27.9, तो 47.9 मेरे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन में इससे ज्यादा कोई चीज नहीं होती जो एग्जामिनर पूछ सके, सिर्फ आपने देखना होता है एडिशनल यूनिट्स हैं, कंप्लीट यूनिट्स हैं, और दूसरा जो है ना आपने रिजेक्टेड यूनिट्स देखने होते हैं, बस। इससे ज्यादा कोई डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, बीच में क्वेश्चन मिक्स भी है। अब 121 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि बोनस आपने बताना है कि एम्प्लॉयज को बोनस कितना मिलेगा, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोडक्ट विल टेक 36 मिनट्स टू प्रोड्यूस। ये एक्सपेक्टेड है कि एंटिसिपेटेड है, टारगेट है, स्टैंडर्ड है कि एक प्रोडक्ट को बनने में 36 मिनट लगते हैं। एक पीरियड जिसमें 180 आवर्स काम हुआ
और 325 यूनिट्स बने, ठीक है। अब एक्चुअली ये सब कुछ हुआ कि 180 आवर्स आपने काम किया और 325 यूनिट्स बने, ठीक है। और बोनस आपको कैसे मिलता है कि जो आप टाइम सेव करोगे उसका हाफ आपको बोनस मिलेगा। जो आप टाइम सेव करोगे उस पर जो कॉस्ट बचेगी कंपनी को, उसका हाफ आपको बोनस मिलेगा। अब देखते हैं टाइम सेव कैसे आएगा। टाइम सेव के लिए आपने देखा था कि टाइम अलाउड क्या है। अलाउड टाइम का मतलब होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्या टाइम था। टारगेटेड टाइम उसने बताया कि 36 मिनट थे एक यूनिट को बनाने में लगते थे। तो अगर आपने 325 यूनिट बनाए, उनको बनाने में आपको कितने आवर्स चाहिए थे? क्योंकि अब आवर्स में दिया हुआ, तो मैं 36 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.6 आवर, ठीक है। तो एक यूनिट को बनाने में आपको चाहिए होगा 36 मिनट्स को मैं आवर में कन्वर्ट करता हूँ 0.6 आवर। तो क्योंकि आपने 180 यूनिट्स एक्चुअल में बनाए हैं, तो आपको कितने घंटे लगने चाहिए थे, ठीक है, कितने घंटे आपको लगने चाहिए थे। टारगेटेड टाइम क्या था आपका? 180 टाइम 0.6108 आपको लगना चाहिए था टाइम, ठीक है। तो इसके बाद आपको आपने यूनिट्स बनाए 325, एक्चुअल में 325 यूनिट्स बनाए, और एक यूनिट को बनाने में 0.6 आवर लगना चाहिए था। तो जो एक्चुअल यूनिट्स आपने बनाए, जो आपको टारगेट दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगना चाहिए था, वो था 195 आवर्स, ठीक है। जो टाइम अलाउड था, जो टारगेटेड टाइम था, वो 195 आवर्स था, ठीक है। आपसे एक्सपेक्ट किया गया था कि आप एक यूनिट 36 मिनट में बनाएंगे, तो जो 325 यूनिट आपने बनाए, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको 195 आवर्स लगने चाहिए थे, लेकिन आपने जो टाइम लिया वो जस्ट कितना लिया, 180 आवर्स। तो आपने 15 आवर्स बचाए, और ये कंपनी का पॉलिसी है कि जो आपने जितना टाइम बचाया उसका हाफ आपको बोनस मिलेगा। 15 आवर्स आपने बचाए, इसका मतलब है कि एक आवर पे आपको $8 मिलता था, आपने कंपनी का कितना बचाया, $120। एक घंटे पे आपको आपका वेज रेट था ना, तो 15 आवर्स आपने सेव किए, तो इसका मतलब है कंपनी को आपको 120 नहीं पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आपने उनके सेट टाइम से पहले काम कर लिया। इसका हाफ जो है कंपनी आपको बोनस दे देगी, तो इसका हाफ 60 बनता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये बोनस इसका हाफ होगा। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आपने फॉलो करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन है 122, उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेबल टू द एम्प्लॉय फॉर द जॉब। टोटल अमाउंट की वो बात कर रहा है, ठीक है, टोटल अमाउंट। इन अ पेमेंट बाय रिजल्ट स्कीम एम्प्लॉयज आर पेड अ बोनस। अब एम्प्लॉय को बोनस भी मिलता है, कैसे मिलता है, आवर्स सेव्ड एट द बेसिक वेज रेट, जितना वो आवर्स सेव करता है उस हिसाब से बोनस पेबल टू एम्प्लॉयज कैलकुलेटेड एस आवर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय रेशियो ऑफ टाइम सेव टू टाइम अलाउड। बोनस निकालने का उसने तरीका भी बताया हुआ है, बोनस इज इक्वल टू आवर्स सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, ठीक है, और इसको आपने मल्टीप्लाई करना है वेज रेट से, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि बोनस जो है वो वेज रेट के हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है, वेज रेट से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर लिखा हुआ भी है कि आवर्स सेव्ड एट द बेसिक वेज रेट, और इस तरीके से वो निकालते हैं आवर सेव, ठीक है। आवर सेव को जो है ना रेशियो से भी मल्टीप्लाई करते हैं टाइम सेव टू टाइम अलाउड की, और मल्टीप्लाई बाय वेज रेट होगा। हमेशा याद रखना है बोनस की कैलकुलेशन आपको दी हो ना, तो वेज रेट से आपने मल्टीप्लाई करना ही है, क्योंकि जो बाकी चीज होती है उससे आपको सिर्फ टाइम सेव्ड का और वो चीज पता चलती है, डॉलर्स में टर्म्स में पता नहीं चलती, वेज रेट से आपने मल्टीप्लाई करना होता है। खैर आप देखते हैं, एन एम्प्लॉई प्रोड्यूसेस 480 यूनिट्स इन 72 आवर्स। एक एम्प्लॉई है, उसने 480 यूनिट्स बनाए 72 आवर्स में। टाइम अलाउड फॉर दिस नंबर ऑफ यूनिट इज 108 आवर्स। आपको जो टाइम अलाउड था वो आपको 108 आवर्स था, सब कुछ आपको बताया हुआ है। हम निकालते हैं बोनस, निकालते हैं, ठीक है, बोनस जो है वो आवर्स सेव्ड, 72 आवर्स आपने लिए और 108 आवर्स आपको अलाउड थे, कितना आपने सेव किया, 36 आवर्स आपने सेव किए। तो 36 आवर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम सेव, जो टाइम सेव आपने किया, और डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड था 108, और मल्टीप्लाई बाय वेज रेट है आपका 10, तो ये आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 108 10, ये आ जाएगा आपके पास 120। तो बोनस आपको मिलेगा 120
लेकिन क्वेश्चन में उसने आपको टोटल पेमेंट पूछी हुई है, तो टोटल पेमेंट में दो चीजें होती हैं, एक तो आपको जो नॉर्मल पे मिली होती है वो प्लस बोनस, नॉर्मल जो पे आपको मिली थी वो क्या होगी, आपने कितने घंटे काम किया, आपने 72 आवर्स काम किया, ठीक है, लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय ने 480 यूनिट्स बनाए और 72 आवर्स काम किया, 72 आवर्स काम किया और एक घंटे का आपको 10 रेट नॉर्मल मिलता है, 720 आपकी नॉर्मल पे होगी और बोनस 120 मिला आपको, तो टोटल पेमेंट जो आपको मिली वो 840 होगी, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके साथ कैपलन किट के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो खत्म हो गए, ठीक है, मोस्टली मैंने आपको करा दी है, बाकी अगर कोई आपको स्टिल प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।